क्यों इस शहर में जी नहीं लगता, क्यों ये शहर अब अपना नहीं लगता, क्यों इस शहर की हवा में जहर लगता है, क्यों यह सांस लेने में डर लगता है। यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आज कोरोना का हमारा हर शख्स तलाश रहा है। सिस्टम कब का ध्वस्त हो गया, सरकारें कब की दावों के कवच में छिप गई, अब तो खुद ही लड़ना है, जीतना है और जीना है। की स्थिति है, मुसीबत का वक्त है, जिंदगी इन सिलेंडरों के सहारे चल रही है, लेकिन क्या ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए जो बातें सरकार ने कही, क्या वो हकीकत जमीन पर कहीं दिखाई देती है, क्या लोगों को मिल रहा है? ये कतारें कम से कम उसको झुठलाती हैं कि आखिरकार लोगों को क्यों नहीं सिलेंडर मिल रहा है। अब तो इतने बुजुर्ग कब से लगे हैं लाइन? सुबह 5 बजे से लगे हैं। किसके लिए? बूढ़े माँ बाप के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए लगे हैं। देखो उम्मीद भी खड़े, उम्मीद के सहारे खड़े। अब केजरीवाल और मोदी की तो आपस में यूं लग रही है और मर रही है पब्लिक। केजरीवाल मोदी वाल के चक्कर में मर रही है पब्लिक। यहाँ नेताओं को जरूरत होती है, वो क्या करते हैं बताइए? नेताओं के लिए सारी फैसिलिटी है, एक आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं, जबकि पब्लिक से नेता है। केजरीवाल जी को एडवर्टाइज, तो आज के बाद हम वोट देंगे नहीं, हम उसको वोट देंगे जो हमारे भले के लिए सोचेगा। ये गलत बात है, दिल्ली गवर्नमेंट भी गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत है। जो हमारे खिलाफ गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये लाइन जान की है, जान प्राण वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, इस तरीके से धक्के खाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए लोगों की तकलीफ जो है वो बातों में निकल के आती है। अब तो क्या हॉस्पिटल ने कह दिया? हाँ, हॉस्पिटल ने, मैक्स हॉस्पिटल ने रिटर्न में दिया है, या तो ऑक्सीजन का अरेंज करो, नहीं तो फिर हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन का आप हाल देख रहे हैं। और स्थिति सिर्फ इतनी ही नहीं है, दुकान बंद है, हम आपको दिखाएं कि दुकान बंद है, कब खुलेगी दुकान नहीं पता है, जो मालिक है वो सामने खड़े हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। हम आपको इस कतार की तस्वीर दिखाते हैं जो कि थोड़ी अलग है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर कतार में नहीं खड़ी है, कहीं ईंट आपको दिखेगी, क्योंकि ये वो सिलेंडर है जो पेशेंट को लगी हुई है, पेशेंट से आप निकाल करके यहाँ कतार में लाकर सिलेंडर नहीं खड़ी कर सकते, तो किसी ने ईंट लगा दी है और किसी ने पानी का बोतल लगा दिया है, ये करने के लिए पानी का बोतल भी है यहाँ पर, कि कम से कम कुछ तो खड़ा रहे कतार में। इंसान नहीं खड़ा हो सकता, सिलेंडर नहीं खड़ा हो सकता, जिसको ऑक्सीजन लगा है उसका निकाल करके आप खड़ा नहीं कर सकते। ये दर्द है और यही दर्द लोगों का छलक रहा है। स्थित नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के आगे क्या हाल है आप भी देखिए। कोई भी सेंटर के अंदर नहीं है, मतलब हम अभी हम लोग सब कल भी आए थे यहाँ, पर गुस्साए लोगों ने गेट को पीटना शुरू कर दिया है। देखिए पूरा यहाँ पर अराजकता का माहौल बन गया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएमसी ने, सरकार ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है, लोग गुस्साए हुए हैं। चलिए गिनती शुरू करते हैं। अगर मैं ये भी मानूं, कम से कम मैं संख्या लूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 लोग मौजूद हैं, तो चलिए इसके आगे मैं चलता हूँ। गिनती करने से पहले मैं एक इन सीनियर सिटीजन की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। इनकी सुनिए, आंखों को देखिए। उम्मीद करी जाती थी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीनियर सिटीजन के लिए तो कम से कम शायद बैठने के कुछ अच्छे अरेंजमेंट करता, पानी का अरेंजमेंट करता, शेड का इंतजाम करता, लेकिन हाथ में इनके लाठी है, यहाँ पर मजबूर है इस तरीके से ये खड़े होने के लिए। मूर्ख लोग है, ये बोल रहे हैं कि दो घंटे से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। चलिए गिनती शुरू करते हैं। 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62। एक किलोमीटर पीछे दरवाजे में और हम 8 बजे से बैठे हैं। हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था, हेल्पलाइन तो डेड है। ऐसा मैंने काउंट किया है, अभी तो सिर्फ 300 लोग मैं काउंट कर पाया हूँ। इस गेट के आगे लोगों की कितनी भीड़ है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गेट के आगे भी वही आलम है जो हमने पिछले गेट में देखा था, और ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ से भी खड़े होकर, यकीन मानिए, यहाँ से भी खड़े होकर अगर दूर तक मेरी नजर जाती है तो भी मुझे मुंबई वासियों की लंबी चौड़ी
कतार नजर आ रही है। गिनती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर के डिवाइडर में जाऊं और यहां से मैं देखूं कि यहां पर कितनी भीड़ है, तो यहां से भी मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे हैं, जो आपको दिखाते हुए आ रहे हैं कि देखिए कितनी लंबी लाइन है। 300 तक हमने यहां पर गिनती करी है और इसके बावजूद भी इतनी ही दुगनी या तिगनी संख्या में आप समझ सकते हैं कि लोग यहां पर मौजूद हैं, जो वैक्सीन लगाने की चाहत में यहां पर सुबह सवेरे से खड़े हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ी गई है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे कि लोग कितनी भारी संख्या में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं, क्योंकि लोगों के बीच में काफी डर है। वैसे भी वैक्सीन की शॉर्टेज है, ये कहा गया है कि जब तक वैक्सीन होगी तब तक जितने लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। इससे लोगों में इतना डर है कि सुबह 7 बजे से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। गोरेगांव इलाके में जहां पर ये नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। अब आप अंदाजा लगाइए, काफी सीनियर सिटीजन थे। अब सड़क पर तो शेड का इंतजाम हो नहीं सकता, पानी का इंतजाम था नहीं। कई लोग ऐसे थे जो व्हीलचेयर, जिनको जरूरत थी तो ऑटो में ही मुझे बैठे हुए नजर आए। कई जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे वो उसमें नजर आए। काफी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों की शिकायत थी कि आखिर ऐसे में आम मुंबई वासी करे तो क्या करे। इस वक्त भी जब हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं तो चारों तरफ मैं देखता हूं सड़क से जो ये वैक्सीनेशन सेंटर का गेट शुरू होता है, वैक्सीनेशन काउंटर तक खचाखच भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बिल्कुल नहीं हो रही है। खतरनाक है, यस बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है। रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का कहना है अगर वो रिस्क नहीं ले, यहां पर खड़े नहीं होंगे तो फिर तो उनका नंबर ही नहीं आएगा और एक बार फिर से उनको वापस घर जाना पड़ेगा। लोग मौजूद है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पहाड़ी वाला गुरुद्वारा में। यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटे वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, इनकी यहाँ पर सेवा की जा रही है। मुफ्त में जो छोटे सिलेंडर हैं उन्हें यहाँ पर भरा जा रहा है, जिसके लिए आप देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पर अपने अपने सिलेंडर्स लेके पहुंच गए हैं, जिन्हें फिलहाल देखिए सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब उन्हें जानकारी मिली ये जो छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं इन्हें फिल कर दिया जाएगा, रिफिल कर दिया जाएगा। पेशेंट के तमाम तीमारदार आप देखिए यहाँ पर लोग दूर दूर के इलाकों से दिल्ली के पहुंचे हुए हैं और जो छोटे सिलेंडर्स हैं सिर्फ वही यहाँ पर रिफिल किए जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ी वाला गुरुद्वारा है उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सर ये छोटे सिलेंडर्स रिफिल किए जा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ छोटे सिलेंडर रिफिल किए जाएंगे। पर्ची देख के कौन से पेशेंट है, जेनुइन बंदा है तो जेनुइन बंदा देंगे, उन लोगों को नहीं देंगे जो लोग भर के अपने घर में रख रहे हैं। स्टोर करने वालों को नहीं दिया जाएगा। पर्ची देखी जाएगी, आधार कार्ड देखा जाएगा और 5-5, 10-10 किलो गैस दी जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, लोगों को इसका फायदा मिल सके ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, पेशेंट के लिए मेन पेशेंट ठीक होना चाहिए। है जिनको बिल्कुल नहीं मिले जी। राजधानी दिल्ली में हर दिन तकरीबन 25,000 मामले आ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जो लगातार बनी हुई है उसको देखते हुए इसके पहले भी कई जगहों पर दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक गुरुद्वारे में ये शुरू किया गया।